हेलो फ्रेंड, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल। ये देखिए, आज मैं बना रही हूँ धनिया लहसुन और हरी मिर्च की चटनी। और अभी मैंने ये काट दिए हैं, वैसे काटने की ज़रूरत नहीं है, वैसे भी ये पिस जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा मुझे इजी रहेगा। तो ये मैंने काट दिए हरी मिर्च लहसुन और ये धनिया, और इसके ऊपर थोड़ा नमक डाल दिया। अब इसको मैं पीसूँगी, फिर उसके बाद थोड़ी दही मिलाऊँगी मैं इसमें, तो बनेगी स्वादिष्ट चटनी। ये देखो, काफ़ी दिन हो गए, प्रैक्टिस छूट रही है, लेकिन बना लूँगी। इसका जो स्वाद है, पत्थर पे जो ये पिसा जाता है, इसका स्वाद अलग ही है। मुझे तो गांव वाली फीलिंग आने लग जाती है। मैं जब भी अपने मेरे एक्चुअली मामा राजस्थान में हैं, तो जब भी मैं राजस्थान जाती हूँ अपने मामा के घर, तो वहाँ पर अब इसमें मिलाऊंगी मैं थोड़ी दही, और ये मिलाती है मैंने थोड़ी दही, और अब मैं इसको दोबारा पीसूंगी दही के साथ। देखो, ये चटनी बन के तैयार हो गई है। दही डालने के बाद ऐसी बनी है, देखिए मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। गाइस, क्या इस चटनी को देखकर आपके मुंह में भी, बाहर का सीन ऐसा है, आज बादल हो रहे हैं और देखो पहाड़ों पर बिल्कुल धुंध है। ये देखो फोग है पूरी, तो लगता है आज बारिश होगी, और बता भी रखा है कि आज बारिश होगी, तो देखते हैं। वैसे ठंड नॉर्मल है, बट बारिश होने के बाद क्या पता ठंड हो जाए। तो और जो मैंने आपको बगीचा दिखाया था आपका, मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, उस दिन मैंने आपको बताया था कि हम बस दो चार ही गमले लेके आए थे, लेकिन अब ये देखिए, अब हम ले आए हैं। अब इसमें देखो, अब ये हमें पॉट में लगाने हैं, ले आए हैं हम नर्सरी से, अब ये पॉट में लगाने हैं, और बाकी पॉट भी ले आए हैं, ये भी लगाएंगे अभी, और ये भी लगाने बाकी हैं, ये अभी थोड़ी देर पहले लेके आए हैं। और ये देखिए, और ये छोटे छोटे भी ले आई हूँ मैं, काफ़ी सुंदर लगते हैं ये। और ये देखिए, अब ये गार्डन पूरा गार्डन बन जाएगा, भरा भरा सा लगेगा, बहुत सुंदर लगेगा। अभी काफ़ी स्पेस है इसमें डेकोरेट करने के लिए, ये देखो अभी बहुत खाली है, तो इसको मैं अभी पूरा गार्डन बनाऊँगी। और अभी छोटे छोटे पौधे ला रही हूँ मैं, अभी सीजनल फ्लावर जो भी हैं, जो फैब में लगते हैं, वो लेके आई हूँ अभी मैं। और बाकी ये देखिए, इसको मैं, और ये यहाँ का मौसम हो रहा है आज, और देखो छोटी छोटी बारिश आ ही गई। अभी मैं बोल रही थी ना बारिश आएगी, वो आ ही गई, अभी छोटी छोटी आ रही है। ये देखिए, ये यहाँ का मौसम देखिए, मुझे लग रहा है मसूरी में ऑलरेडी बारिश हो चुकी है। ये देखिए, ये सामने मसूरी है, और ये मसूरी हो गई है बारिश। ये देखो, काफ़ी दिखाई नहीं दे रहे पहाड़, तो दिखाई नहीं दे रहे भाई। ये छोटे पौधों में भी हमने मिट्टी डाल दी, और छोटे छोटे सीजनल फ्लावर लगा दिए इसमें, और अभी ये दो चार फिल हो गए हैं। अभी मैं पूरी बालकनी में पूरी, अब ये रह गया इसमें भी लगाने हैं, और बाकी गमलों में भी अभी मिट्टी भरूंगी, फिर उसमें साथ के साथ ये पौधे लगा दूंगी। ये देखो, अभी इनमें मैंने मिट्टी भरी है सभी में, इसमें इसमें सब में मैंने मिट्टी भर दी है। अभी ये दो मैंने, हाँ दो में लगा दिया है मैंने, ये दो बाकी हैं। ये देखो यहाँ पर आगे ये दो लास्ट के रह रहे हैं, इनमें भी मैं अभी भर दूँगी। अब ये स्विमिंग पूल खाली है, जब थोड़ा जैसी गर्मी आएगी मार्च अप्रैल में, तो इसे पूरा भर देंगे, और यहाँ पे सारे बच्चे खेलेंगे फिर स्विमिंग पूल में। बाहर का मौसम इतना ठंडा हो गया, तो महाराज इसमें घुस के बैठ गए।
चलो बाहर देखो कितनी तेज़ बारिश आई है। तोते भी आ रहे हैं भाई, तोतों की आवाज़ भी आ रही है। देखो कितने सारे तोते हैं। ये देखो बारिश आ गई, गिल्ला हो गया सब। और ऊपर वाले गमलों में तो सभी गमलों में तो लगा ही दिए मैंने पौधे। अब नीचे वाले रह रहे हैं, तो बारिश आ गई तो अभी मैं थोड़ी सी रुकी हुई हूँ। या तो बारिश रुकने के बाद लगाऊंगी या फिर इन्हें कल लगाऊंगी, क्योंकि गाइस अभी बारिश आ गई और ठंड भी है। देखो आपको दिख रही होगी कैसा मौसम हो रहा है। और पहले तो हल्की हल्की बूंदें थी, लेकिन अब तेज़ बारिश आ गई है। तो देखो मैं कैमरा ज़्यादा आगे ले जा नहीं सकती, क्योंकि बारिश आ रही है तो कैमरा भीग जाएगा मेरा। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, इनमें लगा दिया मैंने, नीचे इनमें लगा दिया है, और ऊपर वाले में, हाँ ऊपर वाले सभी लग चुके हैं। ये देखो ऊपर वाले सभी वो सब में लग चुके हैं। ये देखो ऊपर वाले कंप्लीट हो गए हैं मेरे। बस ये दो गमले अभी लेके आई हूँ मैं थोड़ी देर पहले। ये देखो ये अभी लगाए हैं मैंने, और ये रह गए नीचे वाले, 1 2 3 4 5 6 6-7 और रह गए हैं मेरे लगाने के लिए। इन्हें मैं बारिश रुकने पर लगाऊंगी या फिर कल सुबह लगाऊंगी इनको मैं। बाकी हो गया है मेरा, और देखो बारिश की वजह से कितना गंदा हो गया है यहाँ पर। अभी साफ़ करूंगी, बारिश रुकते यहाँ से धो के पूरा साफ़ करूंगी। जो जो बारिश हो रही है, चलो अंदर बच्चे, अंदर चलो, चलो अंदर, गुड बॉय। अच्छा बच्चा है ना जो जो, चलो बैठो बैठो अपनी जगह पर, चलो बैठो यहाँ पे, आओ चलो सीट पे। हाँ कहाँ चलना है बारिश में, चलो फिर चलो चलो। देखो चलो बोलते ही रेडी हो जाता है। कहाँ चले, घूमी घूमी करने, घूमी घूमी, अरे घूमी घूमी करने जाए। देखो कितना खुश हो रहा है घूमी घूमी के नाम से, घूमी घूमी करने जाना है। अच्छा घूमी घूमी, ओहो घूमी घूमी करने जाना है भाई जो जो को। अभी नहीं जा सकते भाई, बारिश हो गई, बाहर ठंडा मौसम हो गया, यहीं से इंजॉय कर, अब इस विंडो में से इंजॉय कर ले, यहाँ पे बैठ के देख ले बाहर। अभी बाहर नहीं जाना, अभी बारिश हो रही है, ठीक है। अभी थोड़ी देर में चलेंगे, अभी यहीं से देख ले जो तुझे देखना है, ठीक है। अभी नहीं जाना, नो नहीं अभी नहीं जाना। देखो इसको लगी है कि बाहर जाना है, और बाहर हो रही है बारिश, तो आज मुझे जाना तो था बाहर। आपको घुमाती मैं थोड़ा सा बाहर जाके, बाहर का दिखाती, लेकिन अभी बारिश हो गई है तो अब मैं बाहर नहीं जा सकती। तो अब आपको मिलूंगी मैं कल, और कल आपको दिखाती हूँ मैं जो जो बाहर नहीं जा रहा, क्योंकि इसे ठंडी लग रही है, बाहर बारिश हो रही है, ठंडी हवा लग रही है, तो ये बाहर नहीं जा रहा, यहीं से बैठ के देख रहा है। ये देखो मैंने इनको बोला कि बाकी का काम सुबह कर लेंगे, इन्होंने कहा सुबह पे नहीं छोड़ना, अभी करना है। ये देखो लगे हुए हैं, सारे गमले भर दिए इन्होंने, बाकी जो बचे हुए थे देखो सारे फिल कर दिए हैं, और ये करके ही मानेंगे, आज नहीं मानेंगे पूरा करके ही सोएंगे आज। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।